गोवर्धन महिलाओं को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है और विकासशील देशों में इनकी भूमिका और महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद महिलाओं को ज्यादातर मजदूर ही समझा जाता है। किसी घर में जमीन की हिस्सेदारी में होती है भी तो वो जमीन के बहुत छोटे हिस्से पर। ज्यादातर महिलाओं को ना तो खेती के लिए बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है और ना ही बेहतर फसल होने पर उन्हें शाबाशी मिलती है। वहीं शनिवार को गोवर्धन तहसील के नीमगांव और अडीक पंचायत भवन पर एक सोच फाउंडेशन संस्था द्वारा राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान संस्था के पदाधिकारी ने ग्रामीण महिलाओं को जागरूक करते हुए एक सोच फाउंडेशन द्वारा वर्षों से किए जा रहे कार्यों को लेकर जानकारी दी। संस्था में कार्य कर रही सैकड़ों महिलाओं ने बताया कि एक सोच फाउंडेशन से जुड़ने के बाद उन्हें एक नई दिशा की ओर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संस्था से जुड़ने के बाद कई महिलाओं को रोजगार भी प्राप्त हुआ। एक सोच फाउंडेशन संस्था से जुड़ने के बाद ग्रामीण महिलाओं का मानना है कि कृषि कार्यो में महिलाओं की बढ़ती संख्या से उत्पादन में बढ़ोतरी हो सकती है, भूख और कुपोषण को भी रोका जा सकता है। इसके अलावा ग्रामीण आजीविका में सुधार होगा, इसका फायदा पुरुष और महिलाओं दोनों को होगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम बिमला है। अच्छा, किस पद पर हैं और ये आज विश्व ग्रामीण किसान दिवस मनाया जा रहा है महिलाओं का, क्या कुछ कहूँगा? मैं तो एक सोच फाउंडेशन में फील्ड एग्जीक्यूटिव के काम करते हैं, जो महिलाओं को गोवर्धन और मथुरा दो ब्लॉक में देखती हूँ, जो सभी महिलाओं को कृषि यानी कि कम लागत बीज कम लागत में हमारे उत्पादन अच्छा अधिक से अधिक कैसे मिले उस चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं, जानकारी देते हैं। साथ में ये होता है कि जो कुछ छोटे छोटे रोजगार है उससे भी हम इन लोग महिलाओं को जोड़ रहे हैं। पहले जब हम यहाँ एक सोच फाउंडेशन में आए थे नीमगांव में आए थे तो यहाँ पे कुछ नहीं थे। फिर पहले महिला इतना थे कि कोई खड़ा होकर बात करना भी नहीं जानती थी। फिर इसके यहाँ पर एक दो बार मीटिंग की है, जनवरी में आए थे 2021 में, फिर मीटिंग किए, उसके बाद कुछ किचन गार्डन के बीज वगैरह देकर फिर मीटिंग करके जैविक खाद दवाइयाँ कीटनाशक सिखाए। फिर उसके बाद NRLM स्वयं सहायता समूह से इन लोग महिलाओं को जागरूकता किए, स्वयं समूह बनवाए। फिर इसमें इन लोग का लोन पास हुआ, अपना अच्छा से 10 रुपया हफ्ता का बचत भी कर रहे हैं और ये काफ़ी महिला यहाँ पे अब एक्टिव हो गई है। कितने वर्षों से ये संस्था आपकी काम कर रही है? दो साल हो गया सर और अब काफ़ी एक्टिव हो गई है इन लोग महिला। पहले तो कुछ नहीं जानती थी, इतना कि नीमगांव से गोवर्धन तक जाने के लिए कोई अकेला नहीं जाती थी। अब अपने इतना होगा कि अकेले से अब लोग चले जाती है ब्लॉक से और बैंक से और अपना घर के काम भी कर लेती है और बैंक और ब्लॉक अकेले कर लेती है सारी चीज़। और इसमें एक सौ फाउंडेशन से जुड़कर अपने बचत कर रहे हैं। इसमें भारत पेट्रोलियम पैम्प जो है एजेंसी वो भी मिल गया इन लोग का और यहाँ पे कम से कम तो 7-8 महिलाओं को पेट्रोल टंकी पे ट्रेनिंग भी दिए हैं जो आत्मनिर्भर किसान बन सके। और अभी फिलहाल में जो हमन की लकड़ियाँ बनते हैं उस महिलाओं को हमन की लकड़ियाँ के लिए 6-7 महिलाओं को कल से उन लोग का शुरुआती करवाएंगे ट्रेनिंग देने के लिए। अभी कितने काम करवा रहे हैं, अभी पहले से बहुत काफ़ी इन लोग एक्टिव हो गई है। पहले तो कुछ नहीं जानते थे और पहले दूसरे के बारे में भी सोचते थे, अरे ये महिला है कहाँ जा रही है क्या है, मतलब तो अजीब अजीब से सब लोग बोलते थे। लेकिन अब कोई नहीं बोलते क्योंकि अब 150 महिला हो गई है एक यही गांव में, तो सब तो महिला उसी के घर के हैं, सब कोई उनके अब जानते कि नहीं सभी महिलाओं इकट्ठा होकर एक आगे की रोजगार सोच रही है, आगे बढ़ रही है, तो हम लोग क्यों इस तरह से गलत तरह सोचें। लेकिन अब ये सब ऐसा कुछ नहीं है, अब सब इन लोग अपना अच्छा से मेहनत करके आगे बढ़ रही है। आरती कहाँ की रहने वाली हो? अच्छा, आज ग्रामीण महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहोगे इसको लेकर और ये जो संस्था है काम कर रही है कब से कर रही है? ये किसान दीदी है यहाँ पर, समूह की दीदी है जिनके साथ हम मीटिंग कर रहे हैं किसान दिवस में। तो जैसे हम 1-1.5 साल से जुड़े हैं, 1.5-2 साल हो गए गरीब एक सोच फाउंडेशन में हमको, तो एक सोच फाउंडेशन में जुड़ते जुड़ते हमें खेती बाड़ी में काम करना सिखाया, समूह में जुड़ने के लिए सिखाया, ये समूह से हमें क्या लाभ मिलता है, खेती से हमें क्या लाभ मिलता है, ये सब सीख रहे हैं। कितनी महिलाएं आपके साथ इस संस्था में काम करती हैं, क्या कुछ लाभ आपको मिले हैं अब तक? 150 महिलाएं यहाँ पे 150 महिला काम कर रही हैं। सारी महिला कोई 10-20 महिलाएं ऐसी हैं जो काम कुछ नहीं कर रही हैं, सारी महिला सब समूह में जुड़ के जैसे कुछ काम कर रही हैं। हमें भी लाभ मिला है, हमने जैसे पहले गुलाल बनाया था ट्रेनिंग में जाके, तो गुलाल भी हमारा बिक गया था, तो हम ट्रेनिंग में गए, पशुपालन की ट्रेनिंग हुई थी, तो ये गुरुकुल में गए थे वहाँ पर भी ट्रेनिंग हुई थी, तो समूह सखी बन गए हम समूह सखी को गैस एजेंसी मिल गई है हमको, बहुत लाभ हुए हैं, इससे हमें बचत भी होती है और फायदा भी मिलता है। आप एक ग्रामीण महिला हैं तो आप देखा जाता है गाँव में महिलाओं को बाहर नहीं निकलने देते, ऐसी कोई कठिनाई आपको आई होगी? आई थी
क्या क्या कठिनाई आपको आई शुरुआत में? सर पहले हम घर से हम निकलते थे तो हम सब ये बोलते थे, हमारे घर वाले भी, हमारे जो बाहर बाहर पड़ोसी हैं वो भी बोलते थे ये महिला जाती है पता नहीं कहाँ जाती है, मैडम के साथ जाती है, मैडम जाना कहाँ की नहीं है, इनके साथ चल देती हैं, भैया पता नहीं ये कहीं ले गई इनको, कहीं नहीं ले गई। हमारी सास थी वो भी खुद बोल रही थी ऐसा ना कुछ मैडम भगा ले जाए इनको कहीं पे बाहर, ऐसे बहुत सारी लेडीज हैं 420 कर देती हैं। इसलिए घर से क्या कितना सहयोग आपको मिला परिवार से? घर से 2-4 महीने बाद फिर पूरा सहयोग मिल गया परिवार से। हाँ।